भगवान परशुराम को अकेले ब्राह्मण समाज के है ऐसा कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि परशुराम अकेले ब्राह्मण समाज के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के प्रेरणा स्रोत है और हम सब उनके कदमों पर चलने वाले अनुयायी है, जो कि हम पूरी कोशिश में रहते हैं कि हम उनका आचरण करते रहे। इसी भावना को लेकर ब्राह्मण सभा ने परशुराम जयंती का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन की क्या खासियत रही और इस आयोजन का मकसद क्या रहा, इसे समझने से पहले आपको इस आयोजन की कुछ झलकियां दिखाती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आई सना। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह परशुराम जयंती का हर्षो उल्लास कार्यक्रम किया गया है, जिसमें से दिल्ली के आदर्श नगर में भी परशुराम जयंती का भव्य और विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन में इलाके के खासम खास लोग और हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आए खास लोग और आयोजन कमेटी के प्रमुख लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। आज भगवान परशुराम जो जन्मोत्सव है, आज के दिन भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ है, भगवान परशुराम विष्णु जी के जो छठे अवतार है और उनका जो जन्म है, आज हम सभी के लिए पूरे जितने भी जो मनुष्य हैं, जितने भी सभी के लिए ये बड़े खुशी की बात है। और यहाँ हम अपने आदर्श नगर क्षेत्र में, हमारी आदर्श नगर विधानसभा की ब्राह्मण सभा है, उसी के तत्वाधान में ये भव्य कार्यक्रम सर्व समाज इसमें जो ना शामिल होता है। ये खाली ब्राह्मणों का कार्यक्रम नहीं है, सर्व समाज इसमें जो शामिल होता है और हजारों आदमी इसमें जो है हर साल जो शामिल होते हैं, और वही प्रोग्राम है। हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान जी भी यहाँ हैं, तो आप सब देख रहे हो कि हजारों आदमी आज यहाँ उपस्थित है इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए। सुबह हवन हुआ, हवन में भी जो सैकड़ों लोग थे और अब हजारों लोग आज उपस्थित हैं। इस तरीके के कार्यक्रमों से किस तरीके की युवाओं को सीख दी जाती है, ये हिंदुत्व के लिए बड़े जागरूकता आनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम हिंदुओं में जो है ये जागरूकता जो है लेके आते हैं, है? जो और धर्म के लोग हैं उनमें तो अपने आप ही जागरूकता रहती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो जगाने की आवश्यकता है, तो ये ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम हिंदुओं को जगाने के काम आते हैं, इससे हिंदुओं में एक जोश पैदा होता है और अपने जो ये भगवान है, हमारे आराध्य है, उन्हें हम याद करते हैं और उनकी हम जो ना हम पूजा करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी की जय। देखिए, भगवान परशुराम जी एक ऐसे चरित्र है हमारे संस्कृति के, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता माने गए हैं। और जब उनका अवतरण हुआ तो उस समय शस्त्र बाहु तो एक राजा का नाम था, लेकिन ऐसे कई राजा थे जिन्होंने पूरे समाज के ऊपर अत्याचार किए हुए थे और धर्म का और संस्कृति का हनन हो रहा था। तो ऐसे में एक ब्राह्मण जो शास्त्र का ज्ञाता था, चारों शास्त्र आते थे उन्हें, उसके अलावा उन्होंने शस्त्र से भी समाज की भी सफाई करी। और सफाई केवल विचारों की नहीं, धर्म भी नहीं, उन्होंने समुद्र के अगर रिक्लेमेशन की बात करें, करते हैं ना, जैसे दुबई जैसा शहर बसा हुआ है, गोवा जैसा शहर है जहाँ जमीन रिक्लेम करी है, तो एक वैज्ञानिक भी थे वो अपने में। और एक भ्रांति है कि ये सिर्फ ब्राह्मण के हैं, उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। क्या हम श्री कृष्ण को सिर्फ यादवों का मानते हैं, या भगवान श्री राम को, क्या सिर्फ क्षत्रियों का मानते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो ये सब समाज के लिए है। इन्होंने खुद तो वॉरियर थे ही, इन्होंने भीष्म करण जैसों को शिक्षा भी दी, तो अपने आप में दिखाता है कि ये जाति और इन सबसे ऊपर थे, संकीर्ण सोच से ऊपर थे। तो हमारे लिए आदर्श लेने की जरूरत है कि सारा समाज एक ही है और सब समाज का उद्देश्य होना चाहिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम करना।
राधा दल एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना या राजनीति के चक्कर में आके जातिगत एक राजनीति करना और लोगों को वापस खींचना। पूरे समाज का उत्थान तभी होगा जब सर समाज का उत्थान होगा। सर पहले तो मैं आपको बता दूं, ये अकेले ब्राह्मण समाज का नहीं है, छत्तीस बिरादरी का है और भगवान परशुराम सबके है। आज जन्मोत्सव है, बड़े धूमधाम से सारे सनातनी बड़े धूमधाम से हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं और ये पूरी छत्तीस बिरादरी का, ये विष्णु का छठे अवतार है और ये सबके भगवान है। ये ना कहे कि ब्राह्मण समाज ही अकेला है, सभी समाज सनातनी भाई सब आए हुए हैं।